तामिया ब्लॉक के माहुलझिर थाना अंतर्गत ग्राम बोदल कछार में हुई दिल दहला देने वाली घटना। एक युवक ने परिवार के 8 सदस्यों की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। ग्राम बोदल कछार की घटना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने व्यक्त की शोक संवेदनाएं। कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके को पहुंचाया परिवारजनों से मिलने। एकलाख हत्याकांड के आरोपियों की पेशी के चलते जिला न्यायालय में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस कर्मियों ने न्यायालय के चप्पे चप्पे पर बनाए रखी नजर। और लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना को लेकर जारी है प्रशासनिक तैयारियां। डाक मतपत्र एवं ATPV की गणना के लिए दिया गया प्रशिक्षण। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच मैं हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले के तामिया ब्लॉक में माहुलझिर थाना अंतर्गत ग्राम बोदल कछार के ग्राम में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात एक हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें एक मानसिक विक्षिप्त युवक ने अपने परिवार के 8 लोगों की हत्या कर स्वयं को फांसी लगा ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार तामिया ब्लॉक के ग्राम बोदल कछार में हुई इस घटना में आरोपी युवक की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात आरोपी ने सबसे पहले अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारा, फिर एक एक कर माँ, बहन, भाई, भाभी और 2 भतीजियों व भतीजे को मार डाला। इसके बाद युवक ने अपने ताऊ के घर पहुंचकर 10 साल के एक बच्चे पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया। इस दौरान घर की एक बुजुर्ग महिला ने परिवार व आस पड़ोस के लोगों को इसकी जानकारी दी, तब लोगों ने पुलिस को सूचित किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ की। वहीं IG अनिल कुशवाहा, SP मनीष खत्री सहित FSL टीम व पुलिस के आला अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे और जांच कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किए। एक बार और भी किया था क्या? हाँ सर, वो इतवार की रात में 12-2 बजे वो कुल्हाड़ी लेके निकला। तो मैं यहाँ पे सो रहा था और मेरे बच्चे लोग पीछे तरफ सो रहे थे, तो उनके साथ में कुत्ता था, तो वो कुत्ता ने उसको भूखा तो मेरी नींद खुल गई, तो मैंने उनको जगा क्या है रे, तो वो भगा। फिर भगा तो मैंने उसको पहचान लिया, यार जब भूरे क्यों भग रहा, बोले उसने ही बोला नहीं बोला तो वो भागते और ऐसा घूम के चला गया। फिर उसको भाई को बुलाया मैंने, इनको यार ये भूरे इसका दिमाग करेक्ट होगा कैसा, इनको रात में जो कुल्हाड़ी ले घूम रहा है। तो वो लेके ठीक है, फिर उसको हमने पंडा जी के पास में लगा, झराई फुकाई की है उसको, झराई फुकाई की तो वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में फिर दूसरे दिन वो ठीक रहा, दो तीन दिन तक अच्छा रहा। उसके बाद में फिर उसकी पत्नी, उसकी बहू अभी जो शादी कराए थे, उनको बुलवाए, उनके ससुराल वालों को भी बुलवाए, तो उनके साथ में हम उनको झरवाई फुकवावे ले गए, फिर ले गए। तो वहाँ से फिर वो ठीक हो गया, राहत उसको मिल गई, उसको घर में कर दिए। घर में करने के बाद में ठीक रहा वो, और रात में फिर हम लोग भी फिर ध्यान नहीं दिए और वो भी सो गए, और 12-2 बजे रात में फिर वो जगा। तो अंदर सो रहे थे उनके परिवार लोग, सब भाई भतीजे बाहर सो रहे थे आंगन में, तो इसने सबको कुल्हाड़ी मार के, और फिर इसके बाद में फिर ये सर हमारी जो बड़ी भाभी है इनके पास आया, तो उनका ये हमारा छोटा नाती है तो उसको कुल्हाड़ी मार दिया इनने, तो वो मतलब किर्रा के जो जगा, तो वो भाभी जी हमारी जगी, तो उनने देख लिए भूरे ने कुल्हाड़ी मार दिया इसको, पर उनने जगाए तो उनके बड़े लड़का फिर उन्होंने दौड़ो, तो वहाँ से छूट के वो ऐसा करके भाग गया। तो फिर हम सब लोग परिवार वाले सब इकट्ठे जगे और वहाँ पे ढड़ाई उसको किए, तो उनको घर में देखने के लिए गए, तो पूरे लोग मतलब है सबका कटिया डरा, मर्डर हुआ उनका। फिर सर मैंने फिर सोनम मन लगाया, फिर पुलिस आई सुबह हम उनको। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ जी, ये शादी हुई थी उसके ससुराल वाले जो जी लड़की की माँ जी जी, वो तो कह रही ऐसा कुछ हुआ नहीं, था, बात भी किया फोन पे नहीं, और मेरे से लगातार बात करता था, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस उसका दिमाग करेक्ट है सर। अच्छा, दिमाग उसका करेक्ट था। फिर झुलाई पुकाई क्योंकि डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया, दिमाग खराब था तो सर वो हमने कहा यार अब तोड़ते ही, अब इतनी जल्दी कहा है कि अब डॉक्टर के पास आने जाने की व्यवस्था भी नहीं थी, तो कहा है कि झराई फुकाई मन का थोड़ा राहत मिल जाए कि हम लोग आदिवासी लोग हैं, तो आदिवासी क्या है जो झराई फुकाई में ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, है ना, तो इसलिए उनकी झराई फुकाई किए थे, तो झराई फुकाई से ठीक भी हो गया। ठीक भी हो गया, तो उसके बाद फिर उसकी बीमारी फिर पलटी है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि पागलपन था या कुछ और? नहीं, वो उसका पागलपन, उसका दिमागी करेक्टर था सर। झराई फुकाई में पागलपन कैसे ठीक हो जाएगा सर? वो हो जाता है क्योंकि हमें समाज जो है आदिवासी गौड़ समाजों में झराई फुकाई
ज़्यादा मतलब कराते लोग है ना, उसका मतलब उसका पिता भी पहले पागल हुआ था 8-10 साल पहले। अच्छा, क्या नाम लिखते हो? कल्लू सिंह सुयाम पटेल। पता चला कि इधर मर्डर हुआ है 7 जनों का, फिर यहाँ का पता लगा था, हमारे घर पे ही हुआ शक भी मान चलो। जी का आपके कौन थे? दीदी जी थे। जी किसने मारा उनको? जी के देवरों ने, छोटे वाले ने मारा जी। क्या कारण था, कुछ जानकारी लग पाई है आप? जानकारी सर कुछ नहीं है, शादी के बाद में ऐसे ही पता चला था कि उसका करेक्ट दिमाग हो गया, थोड़ा पागल टाइप हो रहा है, इतने ही बार पता लगा था। तो इलाज वगैरह चला है? इलाज कुछ नहीं करा है सर, थोड़ी भूमिका ही कराई थी झाड़ा फूकी, तो उतारी मुतारी शाम को सही बोले थे मेरे से उतारी मुतारी कराएंगे, इतने ही बार सुरक्षा था सर। कितने बच्चे थे? जीजा जी थे और 3 उनके लड़के थे, और जीजा उनकी मम्मी थी और छोटी बहन थी और भाई थे, और अभी उनकी शादी भाई छोटे भाई की आरोपी की उसकी बीवी का नाम था बरसा, उसको मार दिया और खुद ने फांसी लगा लिया। हाँ, पे लगाया फांसी उधर अमरे पे जाके लगाया था सर। हम नींद में आते लड़का को मार दा, मार को और भगन लगा, मेरी नींद खुल गया जल्दी से, लड़का कर रहा उठाता तो इसमें मेरी नींद खुल गई, पर मैंने चल लाई लड़का को, लड़का सो रहा था अंदर, मैंने कि दोनों भाई बेटा मैंने कि लड़का का मालूम का मार दा, फिर देखे बस फिर पूरे आस पास सब दौड़ गए सब, इतनी तो बात आई। अम्मा ये क्या दिमागी तौर पे गड़बड़ था, जैसा लगता है पागल था? पता नहीं सर जी, ऐसा कुछ करता था गड़बड़ हरकत कि पागल जैसा लगता था आपको? नहीं। कैसा था स्वभाव में? अच्छा था, 1 तारीख का शादी है तो उसकी। तो ठीक था, बढ़िया? हाँ बढ़िया ठीक था। अच्छा, तो अचानक ऐसा कुछ विवाद हुआ था, कुछ झगड़ा होता था? नहीं कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं। जब मार रहा था तब कुछ बोला इसने, बातचीत की? नहीं बोला। अच्छा, आपने कुछ बोला उसको, रोका? नहीं हमने नहीं बोला। तो पीछे भागे होंगे आप, तो कुछ बोलते हुए भागा या ऐसे? नहीं सीधे भाग निकला। हम सीधे भाग गया बहुत। अच्छा, और मतलब कोई बात नहीं की? कोई बात नहीं की, हम सीधे मार रहा था। हाँ जी। अच्छा, बचाने के लिए गाँव वाले आए? फिर आए थे। किस तरफ गया फिर वो? सर हम लड़का देखा लग, हमने देख नहीं किस तरफ भगाया और किस तरफ नहीं। अच्छा, लड़के को कहाँ लगी अम्मा, छोटे से? अभी कैसा, ठीक है? हाँ ठीक है, अब फोन लगाया था, बात हुई है। हाँ हो गया। अच्छा, ये जो बच्चा है इससे आपकी कल बात हुई थी जिसने हत्या की? नहीं। बातचीत करता था ये आपसे? नहीं। भाई लोगों से? नहीं। जी सर, क्या घटना थी? देखिए अभी आप लोगों ने यहाँ आकर देखा है कि कल रात को यानी आज अभी जो रात थी सुबह 3 बजे के आसपास, पहले 100 डायल पे एक सूचना आई थी कि दिनेश सयाम है उर्फ भूरा, इसने आपके घर के परिवार के 7-8 लोगों की उसने हत्या कर दी, ऐसी सूचना थी। तत्काल माहौल झिर के जो थाना प्रभारी हैं यहाँ मौके पहुँचे थे, और तब यहाँ जानकारी मिली कि उसने रात में करीब 3:30 के आसपास उठा है, उसकी अभी पत्नी बाजू में सो रही थी, पहले उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया, फिर जहां हम खड़े हैं यहां पर उसके भाई भाभी और 3 बच्चे थे उनकी हत्या करी, और पास में उसकी माँ और बहन थी उसकी हत्या कर दी। करने के बाद में ये करीबन 50 मीटर दूर जा करके अपनी जो बड़ी माँ है उसके यहाँ एक जो उसका नाती था उसका सो रही थी उसके ऊपर हमला किया, और वहाँ से ऐसे वो जग गई है, उसके बाद वो सीधे भागा है, और भागने के बाद में लोगों ने चिल्लाया, लेकिन कुछ दूर करीब यहाँ से आप देख रहे होंगे 100-150 मीटर दूर जाके बाद में झाड़ियों में उसने अपने आप को हैंग कर लिया, सुसाइड कर लिया उसने पेड़ से लटक करके जो है। प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? प्राथमिक जांच में समझ में आ रहा है कि जैसा उनके घर वालों से, घर में तो कोई बचा नहीं है, लेकिन उनकी जो बड़ी अम्मा से पता लगने और गाँव का जो पटेल हैं उनसे अभी मैंने बात किया है, उनका कहना था कि इसकी 1 साल से थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य इसका बिगड़ा है, 1 साल पहले से जाकर के होशंगाबाद में कहीं पर किसी खेतों में काम कर रहा था, वहीं वो उसको थोड़ा सा मेंटली वो डिस्टर्ब था हुआ, तो उसके जो बड़ा भाई था जिसकी डेथ हो गई है उसका उसने वहाँ उपचार भी कराया था वहाँ के किसी डॉक्टर को, लेकिन इनको पता नहीं कौन डॉक्टर से उपचार कराया, उपचार कराने के बाद कुछ समय तो ठीक हो गया था, फिर बीच में एक आध बार हुआ, और जब समय शादी 8 दिन पहले हुई है उसके पहले 3-4 दिन पहले आया था उस समय ठीक ठाक था, शादी के 2 दिन बाद ही उसको फिर से ये डिस्टर्बेंस उसको आया, और फिर से ऐसे कुल्हाड़ी लेकर और ऐसी हरकतें कर रहा था जो लग रहा था कि मानसिक रूप से वो कुछ विकार पैदा हो गए हैं,
उसके उसने बताया भी था पटेल ने कि भाई देखो ऐसा कर रहा है, और ऐसा उन्होंने ये बताया कि 3 दिन पहले भी, यानी घटना के 2-3 दिन पहले भी एक बार रात को कुल्हाड़ी लेके घूम रहा था जो है, तो किसी किसी गुनिया उन्हें को दिखाया था, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था जो है। थैंक यू भाई। ये घटना जो है रात को 2:30 बजे की है। 2:30 बजे ये एक व्यक्ति है दिनेश उर्फ भेरू और ये सरयाम लिखता है, ये 26 वर्षीय है और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो इसके द्वारा अपने परिवार के मतलब इसकी अभी 21 तारीख को ही शादी हुई थी, तो इसने अपनी पत्नी, अपनी माँ, बहन और भाई, भाभी और जो भाई के 3 नाबालिग छोटे बच्चे हैं, पुत्र 5 वर्षीय, बालिका 1 4 वर्षीय, 1.5 वर्षीय, इनको सबको कुल्हाड़ी से हमला करके इसकी हत्या कर दी। इनकी हत्या करने के उपरांत ये वहाँ से 50 मीटर दूर इसके ताऊ का घर है तो वहाँ भी पहुँचा, और वहाँ जो ताऊ के बेटे का बेटा है 10 वर्षीय उस पर भी हमला किया, जिससे उसके जबड़े पे कुल्हाड़ी का घाव हुआ। और वहाँ उसकी जो दादी बच्चे की थी वो कुछ निस्तार के लिए गई थी, तो उसने इसको आरोपी को देखा और हल्ला किया, जिससे ग्रामीण और लोग सजग हुए। इनकी गतिविधि से वो होकर के अपना कुल्हाड़ी फेंक के आरोपी जंगल तरफ भाग गया। इस सूचना को 3 बजे मिलने के बाद तत्काल मैं और हमारे SDOP और यहाँ से लोकल थाना प्रभारी सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे, जो थाना प्रभारी माहौल जीत और उनके द्वारा, और जो रात को अन्य का टास्क में भ्रमण पे थे अधिकारी सभी, तो 5 थाना प्रभारी लगाए गए। और ये संभावना देखते हुए कि आरोपी ना भाग जाए, घेराबंदी इत्यादि भी रोड पे की गई, और जब जंगल की सर्चिंग की गई सुबह रोशनी में, तो ये पीछे नाके जो नाले है उसके पीछे पहाड़ी पे एक पेड़ में इसकी लाश झूलती हुई प्राप्त हुई। जो आरोपी है इसकी, जो परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ किए तो उनके द्वारा बताया गया है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पूर्व में भी 1-1.5 साल पहले ये होशंगाबाद में कहीं काम करता था, तो ठेकेदार से कुछ इसकी इसी तरह से गतिविधि रही थी गुस्से की, और उसके उपरांत इसका इन्होंने होशंगाबाद में इलाज भी कराया था। उक्त तत्वों की पुष्टि की जाएगी, प्रकरण में मर्ग अपराध की दर्ज करने की विधिवत कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट पे फॉरेंसिक टीम ने भौतिक साक्ष्य संकलित किया है। अभी जो यहाँ से PM के लिए बॉडी भेज दी गई है, विधिवत PM होकर PM रिपोर्ट भी प्राप्त होगी और प्रकरण में हर एंगल पे काम किया जाएगा। PM साहब, जो बच्चे की हालत है, बच्चे की जो घायल हुआ है उसकी हालत कैसी है, क्या बोलेंगे? अभी तो वो छिंदवाड़ा में ही है, भर्ती है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और फिलहाल उसकी स्वास्थ्य को हम लोग पहली प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रिफ़र किया था तो वहाँ एक प्रॉपर हॉस्पिटल में हो रहा है और प्रशासन उसकी पूरी देखभाल कर रहा है। ये जो उसने हमला किया उस दौरान किसी ने बचाने का प्रयास किया गांव वालों ने खासतौर? देखिए, ये घर जो है वो नाले के किनारे एक तरफ है, और इसमें ये था कि 21 तारीख को इसकी शादी हुई थी, तो कमरे के अंदर तो ये और इसकी पत्नी ही थी, बाहर ये बाकी एक तरफ इसके भाई का पूरा परिवार सो रहा था बरामदे में, और एक तरफ माँ और बहन सो रही थी। तो इसने अंदर पहले घटना करके बाहर आके फिर भाई के परिवार के साथ संभावित की है, उसके बाद में माँ और बहन के साथ की, ऐसा दिखता है प्रथम दृष्टया। और उस क्योंकि वो उस तरफ था और एकाएक ये घटना हुई, सब लोग 2:30 बजे अच्छी नींद में होते हैं, तो उस समय हमला करने के कारण ये घटना कारित हो गई और ये किसी को पता नहीं चला। जब ये दूसरे घर में घटना करने आया और वहाँ जो क्योंकि वो बुजुर्ग महिला निस्तार के लिए निकली हुई थी, तो वो उन्होंने देख लिया इसको और उन्होंने हल्ला किया, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है, इसके अतिरिक्त यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है और अन्य लोगों से भी बातचीत की है और तथ्य संकलित की है, प्राथमिक रूप से यही स्थिति स्पष्ट है। ये जो पारिवारिक तौर पे हत्या की है उसने, क्या लगता है कि पुराना पारिवारिक विवाद था या खाली मानसिक विक्षिप्त होना ही इसका कारण? देखिए, अभी तक कोई इनका पुराना विवाद किसी भी न साक्षी ने, न बाकी बच्चे जो ताऊ के घर के परिजन हैं और जो बाकी रिश्तेदार हैं, किसी ने नहीं बताया, और पड़ोसियों ने भी कोई ऐसा विवाद 21 तारीख के बाद का भी नहीं बताया कि पत्नी से कोई विवाद हुआ। इस तरह की कोई रिपोर्ट न थाने में अभी है, न पूर्व की अभी तक प्रकाश में आई है, कोई ऐसी शिकायत नहीं आई थी। तो ये निश्चित तौर पे ये पूरा एंगल अभी तक जो है प्रथम दृष्टया मानसिक रोगी होने तरफ ही जा रहा है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी गांव वालों ने यही बताया। प्राथमिक तौर पे जो उन्हें सूचना दी थी उस समय भी हम लोग लगातार संपर्क में थे, जब तक पुलिस आ रही थी तब भी ये बात सामने आई थी।
तामिया ब्लॉक के ग्राम बोदल कछार में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की व कहा कि इस घटना की सूक्ष्मता से जांच कराई जाएगी और परिवार को सरकार की ओर से हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। नमस्कार, मेरी जानकारी में लाया गया कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नवयुवक जिसका विवाह अभी 7 दिन पहले हुआ, उसने अपने परिवार के ही 8 लोगों की अपने हथियार से खुद ने हत्या कर दी और अंत में अपने स्वयं की आत्महत्या करके फांसी लगाकर खुद ही मर गया। ये घटना बड़ी दुखद है और ऐसी घटना एक तरह से सबको हिला देती है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवारजनों के साथ भी हूँ और उनकी घटना की जांच कराएंगे। मैंने अपनी वरिष्ठ मंत्री श्रीमती संपत्या उल्के जी को तुरंत छिंदवाड़ा जाने का निर्देश दिया है। वो वहाँ जाकर के पूरी परिवार से भी मिलेगी, उनके जो बाकी लोग बचे हैं। और ऐसी घटना में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 7 दिन पहले जिसका विवाह हो जाए तो उसका विवाह क्यों किया गया अगर वो मानसिक विक्षिप्त है। प्रारंभिक जांच में बताया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। आगे चल के समाज से भी आह्वान करता हूँ कि ऐसी में कम से कम विवाह जैसे नए परिवार बनाने के चक्कर में पुराना परिवार खत्म कर दें और वो जिस बेटी को लेकर आएंगे उसका भी क्या बीती होगी। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन शोक की घड़ी में मैं अपनी तरफ से सरकार जो कर सकती है जरूर सब कुछ करेंगी। ओम सर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री संपत्या उइके ने ग्राम बोदल कछार पहुंचकर मृतक परिवार के रिश्तेदारों से मुलाकात की व उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही परिजनों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की जानकारी दी। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। कोई राजनीति नहीं, ये हम सब लोग परिवार के हैं, इसलिए हम सब लोग आप लोगों के बंद होगा। सरकार आप लोगों के साथ में, बड़े पापा बड़ी मम्मी को नहीं छोड़ना बेटा, तुम्हारे परिवार के मुखिया आए हैं, ठीक है ना, उनके पास 10 रुपये कर लो भैया। शादी के बाद में तू जी। अभी हम लोग बोदल कछार में यहाँ पे जो मृतक परिवार है उनकी घर पे हम लोग उपस्थित हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पहाड़ जैसे दुख सहने की उनको क्षमता दे और मृतक आत्मा को शांति दे। और अभी हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तत्काल पे हम लोगों ने अंत्येष्टि सहायता के रूप में 10,000 रुपया दिए हैं और 50,000 रुपया उनकी दोनों बहनों को और जो घायल है जो हॉस्पिटल में जो घायल के रूप में वहाँ पे अस्पताल में जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है उसको हम लोग 50,000 दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए हैं कि मृतक परिवार के परिजनों को 10,00,000 रुपया देने की घोषणा और जो इलाज के अलावा 5,00,000 रुपया वो जो अस्पताल में वो घायल है बच्चा उसको 5,00,000 रुपया देने की घोषणा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा है। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ही मैं यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। जिस तरीके से वहाँ पे हम लोग जाकर के मौका स्थल पे हमारी पूरी टीम आकर के देखी, वाकई में बहुत दिल दहला देने वाली ऐसी घटना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या है कहा है कि उच्च स्तरीय इसका जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होगी। बाकी ये समझ में आ रहा है कि लड़का विक्षिप्त था, सभी लोग वहाँ गाँव वाले भी बता रहे हैं और उनके परिवारजनों ने भी बताया है कि ये विक्षिप्त टाइप का उसका दिमाग ऐसा हो जाता है और उन्होंने ऐसा किया है। तो वाकई में बहुत बड़ी घटना है और मैं पूरे समाज को आश्वस्त करना चाहती हूँ सरकार की तरफ से कि सरकार हमारी बहुत संवेदनशील सरकार है और सरकार ऐसी घटना में हमेशा साथ में खड़ी हुई है और इसलिए हम लोग उनके बीच में उपस्थित हुए हैं। सन 2017 में जिला न्यायालय परिसर में हुए 1,00,000 हत्याकांड के आरोपियों की आज पेशी थी, जिसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से जिला न्यायालय में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। टीआई उमेश गोल्हानी ने बताया कि 1,00,000 हत्याकांड के आरोपियों की कई दिनों से वीसी के माध्यम से पेशी चल रही थी, जिसके बाद बुधवार को जमानत की पेशी होने के कारण आरोपियों को न्यायालय में पेश होना था।
इसी को दृष्टिगत रखते हुए कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा लगभग 50 से 60 पुलिसकर्मी जिला न्यायालय में तैनात किए गए हैं, जो हर आने जाने वालों की चेकिंग कर रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पुलिस बल तैनात किया है। सन 2017 में 1 लाख मर्डर केस हुआ था और एक बहुत ही सनसनीखेज ये मर्डर था। न्यायालय परिसर में 1 लाख को गोली मार दी गई थी। वो किसी मामले में 307 के मामले में पेशी आया था और विपक्षी पार्टी द्वारा जो है उस पर हमला कर दिया गया था। इसमें लगभग 18 आरोपी चिन्हित किए गए थे और अभी तक पेशियाँ जो है बीसी के माध्यम से कुछ लोगों की जमानत हो गई थी, किंतु इसमें जो मुख्य गवाह हैं उनकी पेशियाँ चालू होने वाली थी। इस कारण से आज जो है मजिस्ट्रेट साहब ने जो है ADJ फर्स्ट के न्यायालय में आज पेशी है और सभी आरोपियों को आज फिजिकली बुलवाया गया है जिनकी जमानत हो गई है। 2 आरोपी अभी भी जेल में हैं जो मुख्य शूटर थे उनकी बीसी से, और जो गवाहों की पेशी है उसमें आज उनको भी सुनिश्चित किया जाएगा कि गवाही हो जाए। इसी कारण से पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पुलिस द्वारा लगाई गई है और लगभग 50 से 60 पुलिस बल जो है अलग अलग गेटों में अंदर की व्यवस्था बाहर की व्यवस्था श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगी हुई है और यहाँ कोई भी सभी की चेक होके ही जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो इसका पूरा ध्यान। खबरों में ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अब बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क चांद रोड सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क सभी प्रकार के स्लाइड, ब्लैक होल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4-4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार DJ एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क सरसवाड़ा छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगामी 4 जून को होने वाली लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डाक मतपत्र एवं ETPV की गणना के लिए मतगणना पर्यवेक्षक, सहायक एवं माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करने एवं गणना करने वाले नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनरों के द्वारा मतगणना के संबंध में बारीकी से जानकारी दी गई। ABOC तो आगे बढ़ा रहे हैं सही, लेकिन 3 कंडीशन में वो रिजेक्ट हो रहा है QR कोड स्कैन के दौरान। नंबर 1 A नहीं मिला, नंबर 2 B नहीं मिला और नंबर 3 C इज डुप्लीकेट ओनली, इतना ही। अब आपको 300 अगर हमने दिए हैं, 300 में मान लीजिए 10 किसी कारण से रिजेक्ट हुए, तो रिजेक्ट का कारण अपने को उसमें जो सील दी गई है उसी को लगाना पड़ेगा और हमारे ARO साहब के नॉलेज में लाके और उसमें टिक मार्क करेंगे किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि जब हम उसको लॉगिन करेंगे बाद में जब हम इसकी जानकारी भरेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? QR कोड की AR मैडम क्लियर है पॉइंट्स? टीम को तो क्लियर ही है पॉइंट,
तो ये समझ लीजिए कि आपका अगर मान लीजिए 1500 क्यूआर कोड आपने स्कैन किए हैं, अगर मान लीजिए किसी कारण से पीटीवी आईडी की मैनुअल प्रविष्टि करेंगे और फॉर्म 13B में जो भी अंकन के जो निर्वाचक का नाम है उसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, इस प्रकार से पुनः हमारा 13B स्कैन हो गया, जो नंबर आया जनरेट होकर आया उसको हमने एंट्री कर दिया और निर्वाचक सही मिल गया है। 13A 13B को वापस 13C के अंदर रखकर और फिर हमारी जो वैलिड ईपीवी है जो टोकनी उसमें रख देंगे। नेक्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन देखिए, अगर फॉर्म 13A नहीं मिलता है, हमने 13C खोला स्कैन करने के बाद 13A नहीं मिल रहा है तो किस श्रेणी में जाएगा आप बताएं? इनवैलिड वाले। तो इसके लिए हमें आप 13B को स्कैन करने की आवश्यकता है क्या? ओके, 13C स्कैन किया, खोला, 13A नहीं मिला, तो जो रीजन है हमारा सॉफ्टवेयर हम उसकी एंट्री करेंगे और ये हमारा किस में आएगा? रिजेक्ट वाला। रिजेक्ट हुए 10, तो वास्तव में कितने सही पाए गए? 290। ये 290 जो आपकी टेबल से आएंगे वास्तव में इसी हम बाद में गणना करेंगे। तो ये था प्री काउंटिंग प्रोसेस जिसमें आपने आपको मिले 1300 मानी 1500 मिले हैं पांचों टेबल में। जब हम इसका एग्जैक्ट हिसाब मिलाएंगे, टेबल वाइज मिलाएंगे, पांचों टेबल का जो हमारे पास एक रिजल्ट बनेगा वो बनेगा जितने हमारे पास थे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों को जिला ओलंपिक ग्राउंड में फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल एवं पुलिस ग्राउंड में ताइक्वांडो, वुशु, बास्केटबॉल, कराते आदि विविध खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुलिस ग्राउंड में ताइक्वांडो कोच कमलेश पवार ने बताया कि ताइक्वांडो में लगभग 71 लड़कियां व 32 लड़के, कुल 103 खिलाड़ी प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो रहे हैं, जो 15 जून तक सुबह 6 से 8 व शाम 5 से 7 बजे तक नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। वहीं जिला खेल क्रीड़ा अधिकारी विक्रम अवार्डी राम राव नागले ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जिन स्टूडेंट्स ने स्टेट टूर्नामेंट में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज पदक प्राप्त किया है वह खेल युवा कल्याण में जाकर फॉर्म भरे। गोल्ड को 10,000 रुपये, सिल्वर को 8,000 रुपये, ब्रॉन्ज को 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जिला खेल क्रीड़ा अधिकारी के मार्गदर्शन व पुलिस प्रशासन की निगरानी में गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े उत्साह के साथ शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है। छिंदवाड़ा के पुआमा अनुसंधान केंद्र में वन अधिकारियों के लिए मृदा पोषक तत्व प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान TFRI जबलपुर ने कौशल विकास केंद्र छिंदवाड़ा के पुआमा अनुसंधान केंद्र में मध्य प्रदेश राज्य वन विभाग के 6 सर्कल बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा के लगभग 70 वन अधिकारियों के लिए मृदा पोषक तत्व प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया तथा मृदा पोषक तत्वों के सफल आंकलन में संस्थान के प्रयासों की सराहना की। कार्यशाला में भूमिक्षरण की समस्या और ग्लोबल वार्मिंग पर इसके प्रभाव व समाधान के लिए परियोजना के राष्ट्रीय महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। इस दौरान प्रशिक्षण समन्वयक, वैज्ञानिक और प्रमुख वन पारिस्थितिकी एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग के नेतृत्व में संस्थान द्वारा तैयार किए गए वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग से मध्य प्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वन अधिकारियों हेतु सम्मिलित विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा उन्मोदनों के बारे में बताया गया। देखिए, आज का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है मुख्य रूप से फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड जो कि अखिल भारतीय स्तर पर हमारे काउंसिल द्वारा बनाए गए हैं, इनको कैसे यूज़ करना है और कैसे ग्राउंड लेवल स्टाफ जो वन विभाग का है वो इसके द्वारा कैसे लाभान्वित होगा, इसके बारे में आज एक परीक्षा एक चर्चा की जा रही है। आपको जो विदित होगा कि पहले एग्रीकल्चर सॉयल हेल्थ कार्ड बनाए गए थे देश में 2015 के आसपास, प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा लंबा मिशन था। उस समय फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड छूट गए थे
और हमारे देश का करीब 23% भूभाग फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है, तो उन 23% भूभाग के भी सॉयल हेल्थ कार्ड को बनाने का जिम्मा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने दिया, और जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की एक परिषद है, और हमारा संस्थान 3 राज्यों में जो हमारे ज्यूरिडिक्शन स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन 3 स्टेट्स के फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड को बनाने की जिम्मेदारी हमको दी गई थी, और हमने तीनों स्टेट का ही फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड पिछले साल 2023 में हमारे माननीय मंत्री पर्यावरण एवं मंत्रालय द्वारा रिलीज़ किया गया है, और ये सॉयल हेल्थ कार्ड जो रिलीज़ हो चुका है, अब उसके ग्राउंड स्टाफ उस हेल्थ कार्ड को कैसे यूज़ करेगा उसके बारे में आज का प्रशिक्षण ग्राउंड लेवल पे वन क्षेत्राधिकारी, वन अधिकारी और फॉरेस्ट गार्ड लेवल पे दिया जा रहा है। इसके साथ ही हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट के भी हमारे फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड पूर्ण हो चुके हैं, और इसमें भी एक प्री कंसल्टेशन मीटिंग हम लोगों ने वन विभाग के साथ पूर्ण कर ली है, और किसी भी समय इस इलेक्शंस के बाद जब भी सरकार फॉर्म होती है उसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए भी इनको रिलीज कर दिया जाएगा। इन दिनों गर्मी जमकर अपना तेवर दिखा रही है। नौतपा में ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। छिंदवाड़ा में तापमान लगभग 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। इस भीषण गर्मी की तेज तपन और लू से बचने के लिए लोग अब पार्कों और शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं। छिंदवाड़ा में गर्मी का खासा असर देखा जा रहा है। पिछले दिनों जिले भर में कभी तेज धूप तो कभी बारिश होने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर देखने को मिला। अचानक तेज धूप और उमस के साथ तपन वाली भीषण गर्मी से लोग हलाकान हो रहे हैं। सुबह से ही गर्म हवाएं अपना असर दिखा रही है। वहीं लोगों के घरों में लगे एसी कूलर भी काम नहीं आ रहे, जिसके चलते लोग अब पार्कों का सहारा ले रहे हैं, जहां उन्हें इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है। वहीं गर्मी और लू से बचने के लिए लोग गन्ने का रस, आइसक्रीम, नींबू पानी सहित अन्य शीतल ठंडे पेय का उपयोग कर रहे हैं। वहीं जरूरी काम से घर से निकलने वाले लोग चेहरे पर दुपट्टा, चश्मा, टोपी जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। तामिया ब्लॉक के माहुलझिर थाना अंतर्गत ग्राम बोदल कछार में हुई दिल दहला देने वाली घटना। एक युवक ने परिवार के 8 सदस्यों की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। ग्राम बोदल कछार की घटना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने व्यक्त की शोक संवेदनाएं। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके को पहुँचाया परिवारजनों से मिलने। 1 लाख हत्याकांड के आरोपियों की पेशी के चलते जिला न्यायालय में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस कर्मियों ने न्यायालय के चप्पे चप्पे पर बनाए रखी नजर। और लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना को लेकर जारी है प्रशासनिक तैयारियां। डाक मतपत्र एवं एटीपीवी की गणना के लिए दिया गया प्रशिक्षण। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।